फ्रेंड्स गुजिया बन चुकी है और जो बम्पर कुकिंग चल रही है वो अभी रुकी नहीं है, नॉन स्टॉप चल रही है। तो सुबह का थोड़ा बहुत काम काज हो गया है, आवाज आ रही थी सब्जी वाले की तो मुझे लगा कि सब्जी वाला आ रहा है लेकिन शायद वो चला गया है। वैसे तो सब्जियां पड़ी है पर थोड़ी बहुत फ्रेश सब्जियां हैं, कोई हरी सब्जी है तो ले लेते हैं रोज, और कभी कभी वो एक हमारे यहाँ पे दुकान है उससे भी ले आती हूँ बहुत अच्छी सब्जी फ्रूट वगैरह। तो चलिए अब अंदर, सब्जी वाला तो चला गया फिलहाल, पड़ी है तो कल ले लेंगे। तो अब अंदर चलते हैं और किचन में देखते हैं, कुछ शुरू करते हैं काम करना। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पे और मेरे किचन में। तो जैसा कि अभी देखा है आपने कि मैं बाहर से आई तो सब्जी वाले को देखने गई थी और थोड़ा काम किचन में अब शुरू हो गया है। राधिका की भी छुट्टी है स्कूल की आज, तो वो भी मुझे हेल्प करा देगी, दोनों मिलके कर लेंगे हम। तो मैं बना रही हूँ, होली आ रही है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि होली आ रही है और होली में आजकल लोग बाहर से भी बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं लेकिन जो घर का घर की हम थोड़ी बहुत बनाते हैं चीजें उसका आनंद और उसका मजा ही कुछ और होता है। और कई बार कई ऐसी होती है चीजें वो परिवार वालों को सभी को बेहद पसंद होती है कि भाई ये चीज अपने घर की अच्छी है या ये, तो ज्यादातर घर पे ही, और बड़े बूढ़े लोगों को तो घर की चीजें ही ज्यादा पसंद आती है क्योंकि शुरू से मैं हमेशा हर साल होली दिवाली कोई भी त्योहार हो तो घर पे बनाते आ रही हूँ। तो उसी के उपलक्ष में होली के हम आज बना रहे हैं मठरी। तो वैसे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बना रही हूँ उसके सारे वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैदे की मठरी बनाऊंगी मैं और ये बेसन की है जो कि हमारे राजस्थान में बोलते हैं सांकली, पापड़ी, मीठी, नमकीन, बेसन की, वो सभी मैं आज बनाऊंगी। तो फिर जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने मैदा निकाल के रखा है बारात में और बेसन रखा है, अजवाइन और घी, और अभी इसका मोइन डाल के मैं आटा गूंथूंगी मठरी का पहले, तो इसको लगा लेंगे हम और फिर मठरी बनाएंगे तब आपको बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे आटा लगा दिया है मैंने, मैदा उसन दिया है मतलब। तो इसके अंदर मैंने डाली थी अजवाइन, नमक और ये घी का मोइन डाला है, आप लोग चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं वैसे। और फ्राई तो इसको हम घी के ऑयल के अंदर करेंगे और मोइन में हमने घी डाल दिया, उससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है मठरी का। और यदि कई लोग घी नहीं डालना चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं मोइन के अंदर, ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। और जैसे कि ये तो नमकीन मठरी है तो मीठी मठरी होती है उसमें हम अंदर भी घी डालते हैं और फ्राई भी घी में करते हैं और कई लोग तेल में, तो वो अपनी अपनी चॉइस है। और इसके अंदर मैंने ये नमकीन है तो अजवाइन और नमक डाल दिया है और इसका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं। और अब इसको आटे को गूंथ लिया है, इसको बिल्कुल ज्यादा गीला नहीं करते, इस तरह से बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा पानी डालेंगे तो मठरी हमारी खस्ता नहीं बनेगी। तो इसको ओसन के मतलब गूंथ के थोड़ी देर रख देंगे और फिर इसकी मठरियां बना के और फिर फ्राई करेंगे। मैदे की मठरी का वो लगा दिया हमने डो और अभी थोड़ी देर रख दिया रेस्ट करने के लिए, फिर उसकी मठरी बनाएंगे। तब तक थोड़ा सा जीरे को मैंने दरदरा कर लिया है और यहाँ पे बना रही हूँ पापड़ी बेसन की, तो जो कि हमारे राजस्थान में बोलते हैं सांकली, पापड़ी, खाजे। तो अब हम मैं बना रही हूँ बेसन की पापड़ी, नमकीन होती है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स जनरली क्या होता है ट्रेडिशनल में, ये मेरा वीडियो भी बना हुआ है, इसके अंदर अजवाइन नहीं डालते, अजवाइन मैंने डाली थी मैदे वाली में, इसमें डलता है जीरा। तो जीरे को थोड़ा सा मैंने दरदरा कर दिया है, वैसे यदि किसी को पसंद हो तो अजवाइन डाल सकते हैं पर ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ, उसमें थोड़ा जीरा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्या है कि सब में जैसे डिफरेंट आ जाता है। तो इसका भी वीडियो मेरा बना हुआ है, तो ये मैंने जीरा डाल दिया, थोड़ा सा दरदरा कर दिया जीरे को। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, वैसे नहीं भी डालें तो चले, थोड़ा सा कलर आ जाएगा अच्छा इसके अंदर। और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमकीन आएगा टेस्ट अच्छा। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार इसमें, तो मिर्ची थोड़ी सी और डाल देते हैं
तो अब इसमें नमक मिर्ची डाल दी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मोइन, तो तेल का दे सकते हैं इसमें, मोइन ऑयल का भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें पहले मैंने घी का डाला था उसमें मैदे वाली में, इसमें मैं ऑयल का डाल दूंगी। तो बेसन वैसे बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है, टूटने लग जाता है, तो ध्यान से देख के इसमें मैदे में थोड़ा ज्यादा डाला था, इसमें उससे थोड़ा सा कम मोइन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन की पापड़ी का आटा उसन दिया है, तो आप देखेंगे मोइन मैंने डाल दिया, इसमें जीरा डाल दिया दरदरा करके, मिर्ची थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और थोड़ा नमक डाल दिया था, और अब इसमें ऑयल का मैंने डाल दिया मोइन, और थोड़ा गीला कर दिया क्योंकि जैसे हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे डो को, तो ये जो डो है वो पानी खींचता है बेसन, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने गीला रखा है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको बराबर करके और ढक के रख देंगे हम। तो देखिए आप इतना गीला गीला है ना, अभी एकदम सूखा हो जाएगा आटा, तो इसको थोड़ा सा गीला रखेंगे हम। और अभी जैसे जब मैं पापड़ी बनाऊंगी तब दिखाऊंगी, एकदम से सूखा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे पापड़ी का आटा उसलने के बाद इसके पापा आए कि मेरे लायक कोई काम है क्या, तो मैंने कहा कि अब आप जाओ, और टंकी में मैं थोड़ा बहुत सामान अलग से रखती रहती हूँ, कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत, तो वो एक टास्क है। मैंने कहा कि ये डब्बे में नहीं डाले हुआ, उसमें से आप ढूंढ के लाओ पैकेट कि तिल किस में रखे हुए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मैंने कहा ये टास्क है शादी के बाद का, फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये टास्क है रिटायरमेंट के बाद का, कि अब आप ये टास्क दिए गए अब इसको ढूंढ के लाओ कि आपको तिल मिलते कि नहीं। तो वो कहे कि है भी कि नहीं, मैं कहा नहीं भी है तो भी ढूंढवा देंगे हम। मिले कि नहीं उनको? अब मुझे बनानी है मीठी गुड़ की सांकली है, और अब मैंने कहा कि गुड़ की सांकली में थोड़े से तिल डाल देंगे, तो मैंने थोड़े पैकेट में डाल के कहीं कोठी में रख दिए थे। अब वो क्या होता है कि है ना, कोठी में से कोई चीज निकालते ऊपर नीचे हो जाती है कई बार, वैसे तो अलग अलग डब्बों में भी पड़े। तो अर्जुन के पापा आए थे किचन में, कोई काम है तो बताओ, तो मैंने इनको बोला जाओ टास्क है आपके लिए, ढूंढ लो तिल। तो अब ये ढूंढ के रहे हैं तिल, हाल बेहाल हो गए मेरे, तिल ढूंढने में। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ी बढ़ती है जो कि है बेसन की, मैंने अभी बताई। अब इसके ऊपर कांटे से थोड़े छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। पापड़ी के कांटे चुबा राधिका कहे, राधिका टाइम पास कर रही है, कांटे चुबा हुआ है जो में छेद कर देंगे। ये तो मतलब पापड़ी काट दी उसने तो इतने जोर से करी है। यहाँ पे हमारे बेसन की पापड़ी फ्राई होने लग गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू फैल गई है किचन में। तो अब ये नमकीन हमारे खजे जो फ्राई हो रहे हैं, नमकीन मटरी भी बोल सकते हैं, तो हमने इसको गोल गोल शेप के बना दिए हैं, और आप चाहें तो इसको काट के भी बना सकते हैं, लंबे लंबे एकदम शक्कर पारे जैसे काट लें, लंबी लंबी थोड़ी पतली भी शेप में काट सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो में बता रखा है पहले। मैदे की मटरी भी बना दी, बेसन की बना दी पापड़ी, अब यहाँ पे बना रही हूँ सांकली जो कि होती है गुड़ की मीठी। तो यहाँ पे मीठी देखिए आप, मैं आटे से बनाऊंगी, और यहाँ पे मैदा रखा है, ये मैं बनाऊंगी शुगर, इसके अंदर शुगर डाल के और शुगर की बनाऊंगी, और ये हम बनाएंगे आटे की, इसके अंदर हम डालेंगे गुड़ का पानी। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का पानी कर दिया है, थोड़ा सा गर्म कर दिया गुड़ को इसमें, और बारीक करके डाल दिया, और इसमें डाल दिया इलायची पाउडर मैंने, अभी मैं इसको छानूंगी, और साथ में मैं थोड़ा सा इसके अंदर मिला देती हूँ आटे के अंदर तिल, तो तिल से ये बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा तिल का थोड़ा, और दिखने में भी अच्छी लगेगी।
तो थोड़ा मैंने तेल डाल दिया आटे के अंदर, और अब इसमें पहले मोइन डालेंगे, पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले मोइन डालेंगे, और मोइन डालने के बाद हम इसको इस गुड़ के पानी से गूंथेंगे। तो इसमें मैं घी का मोइन डाल रही हूँ, और कई लोग इसमें ऑयल का भी डाल देते हैं, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो भी घी डाल देंगे इसके अंदर, और जैसा मीठा होता है, जो नमकीन जैसे बनाई मैंने मैदे वाली, तो उसमें थोड़ा मोइन ज्यादा, और जैसे मीठा होता है तो मीठे से अगर बहुत ज्यादा मोइन हो जाएगा और फिर गुड़ भी डाल देंगे या शक्कर, तो वो टूटने लग जाती है, तो इसमें बहुत हिसाब से डालना पड़ता है मोइन। तो आटे में मैंने मोइन डाल दिया, और इसके अंदर डाल दिए मैंने तिल। अब ये जो गुड़ का पानी है, जो इलायची के फ्लेवर का, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, छान के डालेंगे इसको। देखिए, तो पहले एक बार इसको मिला लेती हूँ मैं, और अगर आपका थोड़ा थोड़ा ये गीला भी है, तो थोड़ी देर इसको हम जब रख देंगे रेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल सेट हो जाता है ये आटा पानी पी के। और ये गुड़ अगर ये थोड़ा गीला है, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ का हमारा डो तैयार हो गया, आटे का, तिल डाल दिए और इलायची का फ्लेवर डाल दिया था गुड़ के पानी में, और मोइन डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको करा था तो कितना गीला गीला था, अब देखिए सेट हो गया, और थोड़ी देर और रखेंगे और सेट हो जाएगा, और आराम से फिर इसके बन जाएंगे। वैसे तो मीठे है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीठे थोड़े मुश्किल से ही बनती है थोड़ा सा, और धीरे धीरे उसको फ्राई करने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार फ्राई होने के बाद जब निकाल के रखते हैं, उसके बाद सूखने लग जाती है, तब वो एकदम कड़क हो जाते हैं, मतलब वापस नहीं तो। वैसे इसको थोड़ा सावधानी से बेलना पड़ता है, और तलना भी सावधानी से पड़ता है। अब मीठी गुड़ की सांकली है, उसको फ्राई कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने तिल भी डाले थे और इलायची का फ्लेवर डाला था, और ये हमने गुड़ के पानी से आटा गूंदा था इसका। बहुत ही धीमी धीमी आंच पे और धीरे धीरे इसको फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है तो टूट जाती है जब रख देते हैं, उसके बाद ये जैसे फ्राई करके रखने के बाद ये कड़क हो जाती है, तो देख सकते हैं आप, और नहीं तो इसको तलते हैं जिस समय ये सॉफ्ट होती है, तो बहुत सावधानी से इसको पलटना पड़ता है। तो पहले मैंने गुड़ की बनाई थी, आटे के अंदर गुड़ का पानी और इसमें इलायची पाउडर और तिल डाले थे मैंने। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, वो मैंने आटे के बनाए थे गुड़ वाले, और ये मैंने बना रही हूँ मैदे से। इसमें मैं डालूंगी शुगर पाउडर, उसको मैंने गुड़ के पानी से गूंदा था आटा, यहाँ पे मैं डालूंगी शुगर पाउडर, पीसी हुई शक्कर है, शक्कर के साथ मैंने इलायची भी पीस दी, तो वो इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने लिए हैं बादाम और काजू, उसको भी मैंने पीस दिया, तो वो भी मैं इसके अंदर मिला दूंगी, तो ड्राई फ्रूट का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और इसका भी वीडियो मेरा बना हुआ है ड्राई फ्रूट वाली, जो मीठी मठरी मैं बना रही हूँ शुगर वाली, तो ये लोग भी आप बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं त्योहार पे। तो इसको एक बार मिक्स कर देंगे इसके अंदर, ड्राई फ्रूट मैंने इसमें मिला दिए पीस के। अब मैदे के अंदर, अब पहले मोइन लगाएंगे इसके अंदर, यानी मोइन का मतलब होता है कि उसके अंदर घी या तेल किसी भी चीज में हम डाल रहे होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मोइन क्या होता है, तो मोइन होता है जब हम घी डालते हैं आटे में, मैदे में, किसी भी चीज में घी या तेल लगा के, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, उसको मोइन बोलते हैं। तो ये मोइन होता है, और इसको हम डाल रहे हैं मैदे के अंदर, घी का मोइन लगा रही हूँ। शक्कर के बनाएंगे हम, तो शक्कर में स्पेशली घी अच्छा लगता है, और वैसे मैंने उसके अंदर भी घी डाला था गुड़ वाली में भी, आप चाहें तो गुड़ वाली में ऑयल डाल सकते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं घी डालने के बाद। तो मोइन हमेशा मुट्ठी बनता बोलते हैं, ऐसे मुट्ठी बांधते हैं जैसे। तो अभी जैसे मैंने उसमें बनाई थी नमकीन मैदे की अजवाइन वाली, तो उसमें भी अच्छा मोइन होता है, तो खस्ता बनती है बहुत। यहाँ पे मैंने बादाम और काजू का पाउडर डाल के और मैदे को मिक्स कर दिया, और उसके बाद मैंने मोइन डाल दिया, यानी घी का मोइन डाला इसके अंदर। ये देखिए आप, इतना इस तरह से होना चाहिए कि वो अच्छी बहुत खस्ता बनेगी इससे हमारी मठरी। लेकिन मीठी मठरी को बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा, यदि मोइन भी अच्छा है फिर हमें मीठा भी डालेंगे तो बहुत वो टूटने लग जाती है मीठे की वजह से, तो बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शुगर पाउडर, और यदि आप चाहें तो जैसे मैंने गुड़ का बनाया था सिरप बना के, तो थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल, और उसमें शक्कर को थोड़ा सा घोल लें आप, और उसके पानी से भी इसको मैदे को गूंथ सकते हैं, जैसे कि मैं शुगर का पाउडर डाल रही हूँ। और ये शुगर पाउडर है, इसके अंदर मैंने इलायची भी पीस दी थी, तो इलायची का फ्लेवर आ जाएगा बढ़िया सा इसके अंदर। तो जिस हिसाब से आप लोग मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो शुगर पाउडर और इलायची और साथ में बादाम काजू का भी पाउडर डाला था, उसका डो तैयार कर लिया है। थोड़ी देर के लिए क्या है कि इसको रखेंगे हम फ्रिज में, तो ये क्या है कि बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर इसकी हम बनाएंगे मीठी मठरी।
और चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा यदि गूंधते समय बेकिंग पाउडर डाल दें तो इसको बिस्किट की तरह भी माइक्रोवेव में ओवन में भी बना सकते हैं। तो हमने मीठे वाले जो शक्कर का था डो बनाया था उसका लोई लेके उसको बेल दिया है। अब इसको मैं इस तरह से कटोरी से, आप चाहे तो कुकी कटर हो जैसे आपके पास यदि, तो कुकी कटर से अलग अलग डिजाइन आती है उससे भी काट सकते हैं। तो इस तरह से मैं किनारे किनारे पे ये घेरे घेरे काटती जाऊंगी, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे कटोरी को। और आप चाहे तो थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कटोरी से इसको कट कर लिया था गोल गोल घेरे में। तो इसको इस तरह से हाथ में उठा देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल शेप आ जाएगा। यदि आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। और इसी तरह से देखिए, मैंने ये दूसरा भी काटा था तो इसको भी हाथ में ले लिया मैंने। ये देखिए आप, इसको आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल बिस्किट की तरह। इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं और शुगर पाउडर, और इसके अंदर मोइन भी बहुत अच्छे है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चाहे तो आप शक्करपारे की तरह इसको काट के भी बना सकते हैं, या फिर बड़ी थोड़ी सी कोई बड़ा ढक्कन हो या कुकी कटर हो तो उससे काट सकते हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो बिल्कुल हल्की हल्की आँच में। और एक बार तेल गर्म हो गया तो आँच धीमे कर दूंगी मैं, और इसको भी धीरे धीरे से फ्राई करना है। बहुत सॉफ्ट होती है मीठी, तो थोड़ा सा एक बार पक जाएगी तो हम इसको पलटेंगे। तो अब हमारी मठरी हो गई है फ्राई, बहुत हल्के हल्के कलर की करेंगे इसको, और अब इसको निकाल लेंगे। बहुत सावधानी से इसको करना पड़ता है क्योंकि मीठा है ये और इसमें मोइन भी है। तो इसको फिर रखने के बाद एक बार जब फ्राई होने के बाद थोड़ी ठंडी होगी तो अपने आप कड़क हो जाती है, तो सावधानी से फ्राई करें। यहाँ पे हमने मीठे वाले फ्राई कर दिए जो मैंने शुगर के बनाए थे, ड्राई फ्रूट डाल के और भी फ्राई हो रहे हैं, और थोड़े बड़ी साइज के बनाए काट के वो भी पड़े हैं इधर। तो फ्रेंड्स, नहा के आ चुकी हूँ और पहले मैंने मठरियां वगैरह बनाई थी गुड़ की, शक्कर की, और जैसे अजवाइन डाल के नमकीन। तो अब फिर से मैंने थोड़ा सा ये जो आटा है थोड़ा सा अलग से और लगाया, थोड़ी नमकीन मठरी और बनानी थी। तो वही डो है जो हम अजवाइन, नमक और मोइन डाल के मैंने जिस तरीके से बताया था लगाना चाहिए, और उसी तरह से डो लगा दिया थोड़ा। अब मैं एक तरीका आपको और बताना चाहती हूँ जिससे कि हमारी जो मठरी है और भी खस्ता बनेगी और थोड़ी सी लेरी वाली दिखेगी आपको। तो इसके लिए हम एक डो बना लेंगे पहले। तो ये आटा है हमारा, वही मैदा, मतलब कि जो जिससे हम मठरी बनाते हैं, अजवाइन, नमक और मोइन डाल के घी का, आप चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं। तो मैं एक डो बना लूंगी और ये मैंने लोई बना ली, आप जिस शेप की चाहे छोटी बड़ी। तो ये मैंने ले लिया एक लोई, अब इसको हम बेल लेंगे। तो सरफेस को साफ कर लिए ताकि बड़ा बेलेंगे तो दिक्कत नहीं आए, चकला हमारा छोटा होता है। तो ये मार्बल की सरफेस पे हम इसको बेल लेंगे। तो आप देखिए, इसको बेल लेती हूँ, और किनारे जैसे मोइन है तो कई बार छूटते हैं, तो उसको आप फिर से ऐसे इक्वल कर लें हाथ से और उसको बेलते जाएं बेलन से। हमने इसको रोटी की तरह बेल लिया है, और भी बड़ी बना सकते हैं आप चाहे तो थोड़ी। और अब जो ये घी है वो मेल्ट करके और हम इसके अंदर लगा देंगे घी को। तो चारों तरफ इसके ऊपर और भी घी, वैसे तो हमने मोइन लगाया था पर और थोड़ा इसमें मोइन लगा देंगे हम। तो जब हम इसको तलेंगे तो ये और भी खस्ता बनेगी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खस्ता बनती है। तो बस हमने इसके ऊपर भी घी लगा दिया है। अब थोड़ा सा इसको हाथ से हम एकदम से अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं, और इसके ऊपर मैं छिड़क दूंगी थोड़ा सा सूखा मैदा। फ्रेंड्स, तो ये देखिए सूखा मैदा छिड़क देंगे हम इसके ऊपर, सब तरफ हाथ से फैला देंगे इसको, मैदे को भी अच्छे से। तो अब हमने मैदे को फैला दिया चारों तरफ। अब ये जो हमारा ये हमारी रोटी है, इसको इसी कॉर्नर से उठाते हुए हम इसको रोल करते जाएंगे गोल गोल, सब कोने लेते जाएं और रोल करते जाएंगे इसको हाथ से। ये देखिए आप, ये हमने रोल बना लिया, थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे कहीं से, छोटा मोटा पतला है तो इसको हाथ से। और ये जो इसकी किनारी है थोड़ी सी हम काट देंगे, छोटी बड़ी है तो इसको चाकू से हम पहले अलग कर देंगे। अब ये हमारा बराबर डो तैयार हो गया, अब हम इसको काटेंगे। तो इसको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे बीच बीच में से। ये देखिए आप, इस तरह से मैं बराबर इसको काटती जाऊंगी। जैसा कि हमने ये काट लिया, अब इसको देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रख देंगे खड़ा, जैसे यूं नहीं रखें आप, यूं रखें, और इस तरह से इसके ऊपर बेलन से हल्के हाथ से हम इसको फ्लैट कर देंगे। तो जैसे कि ये फ्लेकी फ्लेकी हो गया है, तो जब हम फ्राई करेंगे तो तेल के अंदर इसके फ्लेक्स अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि परतें दिखेगी आपको, और हमारी जो ये मठरी है बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इसी तरह से मैं ये बेल बेल के इसमें रख देती हूँ।
चलिए फिर इन मटरियों को फ्राई कर लेते हैं हम। तो लीजिए हमारी ये वाली मटरी फ्राई हो गई है और बहुत ही खस्ता बनती है क्योंकि अंदर भी हमने इसके मोए डाला और ऊपर भी इसमें लगाया तो एकदम से बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी इसे ट्राई करके देखें घर पे। जैसा कि मैंने अभी एक तरीका आपको बताया था कि रोटी बेल के घी लगा के फिर फोल्ड उसको राउंड राउंड करके फिर काट के भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही खस्ता बनती है। एक तरीका और है, जैसे कि वही वाला डो है हमारा मटरी का और इसके अंदर हमने एक रोटी फिर से बेल दी इसकी और ये देखिए ये ढक्कन ले लिया, कोई कुकी कटर वगैरह नहीं है, ये ढक्कन है मेरे पास कोई, आप छोटा भी और भी छोटा ढक्कन ले सकते हैं गोल, तो छोटे छोटे आपके काजू के शेप के बन जाएंगे और थोड़ा बड़ा लेंगे तो इस शेप के बन जाएंगे, बड़े काजू बन जाएंगे, मतलब छोटे काजू बड़े काजू कुछ भी बोल सकते हैं, तो अलग अलग शेप की मटरी बना सकते हैं आप। तो जैसे मैंने ये ढक्कन ले लिया तो पहले तो इसकी किनारी को एक कट करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा ऐसे, फिर बस अब इस किनारी से आगे थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ लेके हम इस तरह से इसको बनाते जाएंगे और ये देखिए हमारा ये शेप बनता जाएगा। आगे से आगे देखिए हम इसको इस तरह से काट देंगे, अब जैसे ये यहाँ से काटा लाइन से हम इसको काटते जाएंगे बराबर इस ढक्कन से, तो ये वाला शेप हमारा निकलता जाएगा। फिर आगे जैसे ये निकाल लिया फिर आगे फिर इसको हम काट देंगे तो ये निकल गया हमारा ये वाला शेप। कोई भी कुकी कटर की आपको जरूरत नहीं है, आप इस शेप की भी बना सकते हैं और यदि आप छोटा सा यदि छोटा ढक्कन लेंगे शीशी का छोटी शीशी का तो छोटे छोटे काजू बन जाएंगे आपके, तो देखिए थोड़े बड़े बड़े बन रहे हैं मेरे और छोटा लेंगे तो छोटे बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी शेप की मटरी आप घर पे भी काट के बना सकते हैं। जैसा कि मैंने मटरी का डो बनाया था मैदा और अजवाइन और नमक और घी डाल के, तो आप चाहें तो इसको और भी थोड़ा सा क्रिस्प बनाना चाहें तो थोड़ी सी सूजी मिला मैदा ज्यादा और थोड़ी सी सूजी मिला लेंगे अगर उस डो के अंदर आटा गूंथते समय, तो वो एकदम से क्रिस्पी बन जाएगी हमारी मटरी, तो सूजी भी मिला सकते हैं आप इसको। अब हमारे ये जो काजू या अर्धचंद्र इसको कुछ भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे ढक्कन से बनाएंगे तो काजू बन जाएंगे और थोड़े बड़े से तो अर्धचंद्र बन जाएगा और साथ में थोड़े से ये लंबे लंबे इस तरह से भी काट दिए मैंने फलियां जैसे कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो वो भी मैंने काट के और फ्राई अलग अलग शेप के बना दिए। तो चलिए अब ये टाइम आ गया है इनको फ्राई करने का, तो अब इनको फ्राई कर देंगे हम। एक बार आंच थोड़ी सी हो जाए फिर इसको मीडियम पे कर दें और फिर इसको इस तरह से ये भी थोड़े एक के ऊपर एक है चिपके हुए तो तेल में डालते ही फ्राई होते ही वो हो जाएंगे अलग अलग, तो देखिए आप। और जैसे अभी इसमें मसाला तो ऑलरेडी नमक वगैरह है अंदर और आप चाहें तो जैसे थोड़ा सा नमक डाल के भी इसको बिना अजवाइन के बना सकते हैं और अजवाइन वाले हैं तो भी इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वो चाट मसाला डाल के और खाने में। तो यहाँ पे मैंने मावे को ग्रेट कर लिया है, तो आप सोचेंगे कि मावे को ग्रेट क्यों कर दिया, मावे को ग्रेट करके रख लिया थोड़ा सा क्योंकि मैं बनाऊंगी गुजिया, तो थोड़ी सी होली है तो गुजिया ना बने तो होली का तो मजा ही नहीं आता है फ्रेंड्स, मटरी वगैरह तो सब बन चुकी है तो मैंने थोड़ा सा मावा ले लिया है। अभी आप सोचेंगे थोड़ा ही क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं बहुत सारी और भी चीज़ें मिलाऊंगी तो ये खूब सारा हो जाएगा, तो मावा इसको अपन सेक लेंगे अच्छे से। कई लोग सूजी की भी बनाते हैं खाली मावा नहीं डालते, तो सूजी को हल्का सा भून लेते हैं फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट है कोकोनट का चूरा और सब मिला के शुगर बना लेते हैं, उससे क्या होता है वो गुजिया बहुत दिन तक टिकती है, ख़राब नहीं होती, लेकिन मावे को भी अच्छा भून ले तो काफ़ी दिन टिकता है। और मावे की गुजिया क्या है कि कई लोग इसलिए नहीं बनाते, ख़राब भी हो जाती है और अपने हिसाब से बनाते हैं तो वो सूजी डाल लेते हैं, तो मैं बनाती हूँ मावे की, तो थोड़ा सा मैंने मावे को अच्छे से भूनूंगी हल्का सा कलर आने तक ताकि जब अच्छा भून जाएगा तो गुजिया ख़राब नहीं होगी। फिर हम मैं इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे मैंने रखा है ये मैंने पीस लिया है बादाम और काजू पिस्ता सब, क्योंकि दादी सब वगैरह जैसा कि कई बार मैं बोलती हूँ खा नहीं पाते हैं, और थोड़ा किशमिश को भी काट के ही मैंने इसी में मिला दिया, और थोड़ी यहाँ पे मैंने इलायची और नटमेग यानी कि जायफल का छोटा सा टुकड़ा, जायफल बहुत स्ट्रांग होता है उसको मैंने पीस के रख दिया है, और साथ में कोकोनट का चूरा यानी ग्रेटेड कोकोनट मैंने रखा है और पीसी हुई शक्कर रखी है, तो मावा भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी। तो गुजिया का मसाला यानी कि गुजिया में जो स्टफिंग होती है भरने की तो वो हमारी तैयार हो जाएगी, तब तक हमारा मावा भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने मावे को भून लिया, हल्का सा ब्राउनिश कलर आने तक भूना है क्योंकि अच्छा भुना हुआ मावा होता है तो वो खराब नहीं होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, तब तक मैं इसके अंदर मिला देती हूँ ये ड्राई फ्रूट।
थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, शुगर बाद में मिलाएंगे। तो ये मैंने काजू बादाम और पिस्ता और थोड़ी किशमिश भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो वो हम पीसा हुआ इसके अंदर डाल रहे हैं। आप चाहे तो थोड़े टुकड़े डाल सकते हैं, पर टुकड़े डालने का क्या होता है कि वो बीच बीच में जैसे हम गुजिया बनाते हैं तो बीच में किनारे पे आता है तो गुजिया हमारी टूट जाती है, या फिर बीच में भी अगर वो ऐसे निकल जाए तो गुजिया के टूटने का डर रहता है। तो यदि आपको भी ड्राई फ्रूट डालना हो तो आप भी पीस के डाल सकते हैं तो बहुत ईजी रहता है। तो ये ड्राई फ्रूट मैं डाल देती हूँ पीसा हुआ इसके अंदर, टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे बहुत। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट। तो कोकोनट तो बहुत ही अच्छा लगता है गुजिया के अंदर, ग्रेटेड कोकोनट है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे मैं नटमेग और इलायची मैंने पीस के रखी थी, यानी जायफल और इलायची, तो उसको भी मैं डालूंगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा डालें, बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारा मावा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और फिर एंड में हम इसमें मिला देंगे पीसी हुई शक्कर। हमने मावे के अंदर मिला दिया इलायची, नटमेग कूटा हुआ, साथ में हमने खोपरे का चूरा, नारियल यानी कि ग्रेटेड कोकोनट, साथ में ड्राई फ्रूट है बादाम काजू पिस्ता, और भी आप कोई चिरौंजी वगैरह जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। और पीस के डालेंगे तो आपको बनाने में भी असुविधा नहीं होगी। और थोड़ी सी किशमिश को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है, बड़ी बड़ी होती है कई बार। और अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा मावा भी ठंडा हो गया हमारा, तो अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे पीसी भी और उसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गुजिया का मसाला तैयार हो गया है, बिल्कुल से स्टफिंग बोल सकते हैं आप इसको गुजिया की। तो देखिए आप देख रहे थे मावा थोड़ा सा है, उसके अंदर हमने नारियल डाल दिया और ड्राई फ्रूट डाल दिए, शुगर मिला दी, सब कुछ मिला दिया, इलायची वगैरह नटमेग। तो अब ये इतना सारा हो गया, अब थोड़ा थोड़ा आप जब तक ये थोड़ा और ठंडा हो जाए तो मैं इसकी गुजिया का डो बना के और फिर इसके अंदर भर के गुजिया बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे गुजिया का मसाला मैंने बना के रख दिया, स्टफिंग ये तैयार है और यहाँ पे आप डो बना लेते हैं। तो गुजिया का डो बनाने के लिए मोइन डाल दिया मैदा छान के मैंने, और कई लोग थोड़ा कड़क रखते हैं कि भाई गुजिया टूटे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर पे सबको थोड़ा सा सॉफ्ट वाला पसंद है। बाकी बाजार में आप यदि गुजिया लेने जाएंगे तो बिल्कुल शेप में एकदम अच्छी सी शेप की कड़ी कड़ी मिलती है, क्योंकि वो लोग मोइन कम डालते हैं और उसके किनारे को हाथ से ऐसे मोड़ के बनाते हैं तो वो तलने में भी वैसे सुविधा रहती है। तो आप लोग जिस हिसाब से मोइन कम ज्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब इसका मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका कड़क डो लगा लूंगी और फिर हम इसको बेलेंगे और इसकी गुजिया बनाएंगे। जो भी रेसिपी मैं बना रही हूँ या आपको दिखा रही हूँ तो उसकी सारी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी तो आप देख सकते हैं। मैंने गुजिया बनाने के लिए डो तैयार करके रख दिया, ये देखिए इतना सॉफ्ट है, इसमें आराम से उंगली घुस रही है और घी का मोइन डाल दिया था। अब हम इसकी पूरी बेलेंगे, छोटी छोटी लोई बना के पूरी बेल के, और फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। तो आप छोटा पेड़ा बना के अब इसकी पूरी बेल लेंगे हम, तो इसकी पूरी बेल लेते हैं, ना ज्यादा मोटी, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी गुजिया में जब हम स्टफिंग भरे तो वो टूट जाए। यहाँ पे मैंने एक पूरी को बेल लिया। अब ये जो मैंने आपको मसाला बताए थे यानी स्टफिंग मैंने बनाई थी मावा और ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल के, उसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो हम इसको बीच में रख देंगे और इसको किनारे पे कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह ना आने दे, इसको बीच में कर ले। और अब इसकी देखिए, अब ये मैंने घोल बना के रखा है यहाँ पे मैदे का और थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको हम इसकी सहायता से यहाँ पे लगा लेंगे ताकि क्या है कि जब हम इसको चिपकाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। तो अब हम इसको इस वाली परत को उठा के और इसके ऊपर रख देंगे और जहां पे हमने लगाया था घोल वहीं पे इसको हम चिपका देंगे, ये देखिए, और साइड में उंगली की सहायता से इसको हम दबा देंगे, ये देखिए आप दबा दिया मैंने। अब मैं इसको, कई लोग तो इसकी जैसे मैं बताऊं किनारी भी को ऐसे मोड़ देते हैं खाली, और मेरे पास ये है इस टाइप के चम्मच, ये देखिए आप, ये कटर के आते हैं, सांचे भी आते हैं गुजिया के, तो इसकी किनारी होती है, स्टील का भी है पीतल का है, तो हम बनाते हैं तो इससे काट लेते हैं, और वैसे सांचे भी आते हैं उसके अंदर रख के ऐसे प्रेस कर देते तो वो गुजिया कट जाती है। बाकी की जो कटी हुई है उसको हम हटा देंगे और आप देख सकते हैं हमारी गुजिया रेडी हो गई। यहाँ पे मसाला रख दिया हमने पूरी बना के और इसको थोड़ा सा बीच में कर दे, किनारी भी नहीं है, और इसको वापस से चिपका देंगे हम किनारी को हाथ से, उंगली से अच्छे से दबा देंगे, और जैसे कि अभी कटर नहीं है किसी के पास तो इसको ऐसे दबा के, और आप जैसे हम मोमोज वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से ये आप मोड़ते हुए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं हाथ से, ये देखिए आप कंगूरे कंगूरे बन जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है देखने में, सुंदर लगती है।
दुकानों पे और मिलती है बाजार में, वो इस तरह से ही ज्यादातर करते वो लोग। तो देख सकते हैं हमारी गुजिया तैयार हो गई फटाफट। यहाँ पे बन के गुजिया तैयार हो गई है और अब इसको टाई में तलने का, तो घी गरम होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी तल सकते हैं। तो अब इसमें तलेंगे, तो आंच को थोड़ा धीमा कर दिया मैंने, एक बार ऑयल गरम होने के बाद मीडियम पे कर दिया। तो मीडियम आंच पे धीमे धीमे इनको हम तल लेंगे ताकि हमारी गुजिया खुले भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमारी गुजिया फ्राई हो गई है, तो इनको एक एक करके हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं मेरी सारी गुजिया फ्राई कर लूंगी। तो मैं दो 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 करके तल रही हूँ ताकि तलने में सुविधा रहेगी, उलटने पलटने में भी। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पर होली के त्यौहार पर गुजिया बना सकते हैं। गुजिया बन चुकी है और जो बम्पर कुकिंग चल रही है वो अभी रुकी नहीं है, नॉन स्टॉप चल रही है। और अब इसके पापा की फरमाइश के बन रहे हैं यहाँ पे बेसन के पकोड़े। तो देखिए आप जो शादियों में बनते हैं जाने वाले पकोड़े, उसका वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी और हींग डाल दी है इसके अंदर ऑलरेडी, इसके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने हींग इसमें डाल दी थी और कसूरी मेथी भी डाल दी उसका पाउडर, और थोड़ा सा दरदरा करके अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अजवाइन। जो ये हमारे पकोड़े हैं इसका अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा इसके अंदर, तो अजवाइन डाल रही हूँ मैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े थोड़े हमारे जो ये मेरा गरम मसाला है होममेड, तो वो मैं डाल दूंगी, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गरम मसाला डाल देते हैं इसके अंदर होममेड। और जैसा कि मैंने बताया कि जो एक पकौड़ा बना के और आप चख सकते हैं कि मसाले किस प्रकार से हैं, तो अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, फटाफट से मिला देते हैं, और नमक स्वाद के अनुसार, और फिर बाद में सब चीज़ें हम चख लेंगे। और अब इसके अंदर लोग, कई लोग पूछते हैं कि सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो सॉफ्ट बनने का क्या कारण है? थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालूंगी मैं। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी करीब 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, तो थोड़ा सा ऑयल मिला देंगे इसके अंदर। और अब मैं बनाऊंगी इसका घोल, यानी कि बहुत पतला नहीं होता है, अब मैं बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। अब मैंने कढ़ाई रख दी और तेल चढ़ा रही हूँ। तेल चढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि ये मेरा बम्पर वीडियो है, यानी कि बम्पर कुकिंग है, तो त्योहारों पे होती है, कई जने बाजार से भी लाते हैं, लेकिन घर के बनाए पकवान का अलग ही मजा होता है। तो दादी सा वगैरह सबको शौक है, तो थोड़े थोड़े मैंने सभी चीज बनाई है होली पे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जरूर देखिए, इसमें मैं समझाती भी हूँ साथ में, तो इसको आप देख के भी आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं। वैसे तो मेरे सारे मेरे चैनल पे उपलब्ध है रेसिपी, लेकिन इन सभी को भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही एंजॉय करेंगे। आप देखिए और जरूर अपने घर पे बनाइए। यहाँ पे मैंने पानी डाल के और थोड़ी देर इसको रख दिया था टाइट। अब थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद अब इसको हम फेंट लेंगे, थोड़ी सी देर रख देना चाहिए ताकि बेसन हमारा फूल जाए। और अब ये देखिए आप, जैसे सेव का मैंने काफी टाइट बनाया था डो, तो अब इसका देखिए आप, जैसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे तो उसकी बूंदी बन जाती है, झर्रे पे से आसानी से ठपकारते ही वो निकल जाती है बूंदी, तो वो बूंदी के लिए होता है। ये थोड़ा सा सेव से थोड़ा सा पतला है, सेव का इससे थोड़ा टाइट होता है, और ये सेव से ये देखिए आप बिल्कुल जैसे आसानी से नहीं गिरता है इस टाइप से। इसके हम बनाएंगे झर्रे वाले पकौड़े, जो कि हमारे राजस्थान में विशेष करके शादियों में, और आजकल तो वैसे कम बनाने लगे, जैसे बान बिनाई वगैरह होते थे तब बनाए जाते थे ये लापसी खिचड़ी और पकौड़े, तो वो वाले। और ये अक्सर हमारे घर पे सभी को पसंद है, तो ये मैं बनाती हूँ। तो चलिए फिर, इसका घोल तो रेडी हो गया है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पकौड़े बनाने। तो ये झारे पे इस तरह से लेके, और आप इस तरह से देखिए, हाथ से भी कर सकते हैं और ये चम्मच से करेंगे तो हाथ भी नहीं भरेंगे और ये हमारे पकोड़े गिरते जाएंगे इसमें। तो इस तरह से आप पकोड़ों को देखिए उलट पलट कर लें, और थोड़ा सीख जाएंगे तब मैं इसको निकालूंगी। तो हमारे पकोड़े सीख गए हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आप, इसको बोलते हैं शादियों वाले झर्रे के पकोड़े। अब इसका एक और कायदा होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पकोड़े जैसे कड़े हो गए, तो अब इसका एक कारण है कड़े होने का, जैसे ही हमने पकोड़े निकाले उनको डब्बे में डाल देना है और उसका ढक्कन ऐसे बंद कर देना है। अब जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं ढक्कन खोल के इसी में डालती जाऊंगी, इसमें लेके और इसमें डाल दूंगी और बंद कर दूंगी।
फिर एक बार जब सारे तैयार हो जाएंगे फिर उसको एक बार थोड़ी हवा दिखा देंगे थोड़ी सी देर खोल के, और फिर उसको ढक देंगे। इस तरह से क्या होगा कि ये जो पकौड़े हमारे सॉफ्ट रहेंगे, कड़क नहीं होंगे बहुत। फ्रेंड, जो भी मैं रेसिपी आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो तो मैं त्योहार के मौके पे बना रही हूँ फटाफट से, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हर त्योहार पे हर सालों से हम बनाते आ रहे हैं। और जो इसको इसका यदि आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने एक एक रेसिपी समझा रखी है। और जैसे कि ये मैं अभी बना रही हूँ झर्रे वाले पकौड़े, तो शायद इसमें मैंने पहले वाले में पहले लोग क्या कसूरी मेथी नहीं डालते थे हलवाई वगैरह, लेकिन आजकल डालते हैं और मैं भी डालती हूँ, तो उसमें शायद मेरी कसूरी मेथी नहीं होगी, तो आप उसको भी ऐड कर लें उसमें। बाकी सारे मसाले मैंने उसमें डाल रखे हैं। यहाँ पे हमारे सभी झारे वाले पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको सॉफ्ट रखना है तो बनाते जाए और ढक्कन को ढकते जाए इसको। और जैसे थोड़ा सा मैंने अभी इसको खुला छोड़ दिया, फिर से इसको हम ढक देंगे और फिर थोड़ा सा बीच में खोल दें। इससे क्या होता है कि वो एकदम खुले आप बहुत देर रख देंगे किसी बर्तन में और डालते जाएंगे तो वो कड़क हो जाते हैं, तो इसको ढक के रखने से ये सॉफ्ट रहेंगे एकदम से। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है अगली रेसिपी की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो का नाम बम्पर वीडियो क्यों रखा है, और ये मेरे हर साल का हर त्योहार का रूटीन रहता है कि हम इसी तरह से बनाते हैं और सभी परिवार वालों को खिलाते हैं। और आप इसके वीडियो के एंड तक देखेंगे तब समझ जाएंगे कि इसका नाम बम्पर वीडियो क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी करीब करीब सारी मैंने आपको बता दी रेसिपी क्या क्या मैं बनाई मैंने होली पे, और अब एंड आ गया इसका। और एंड में बन रही हमारी ट्रेडिशनल चकियां, यानी कि हमारे जोधपुर वासी चकियों के बहुत दीवाने होते हैं, चाहे होली हो चाहे दिवाली, चकियां तो बहुत जरूरी होती है। वैसे तो दाल बादाम की भी बनती है, तो यहाँ पे बेसन की चकियां बहुत ही फेमस है। और सर्दी होती तो दाल का हलवा भी बना लेते हैं हम, कई बार हलवा बनाने के बाद चकियां भी बना लेते हैं। तो वैसे तो मैंने नारियल की बर्फी और गुजिया भी बनाई है, थोड़े थोड़े सभी आइटम बना लिए है। क्या होता है कि परिवार वालों को घर की चीजें बनाई बेहद पसंद है, बाजार से भी मिलती है चक्की तो, लेकिन सब कहते हैं कि घर की बनाई चक्की का टेस्ट ही अलग होता है। तो चक्कियों के सब दीवाने हैं हमारे जोधपुर में, तो वो देखिए मैंने चक्कियां बनाने की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन ले लिया, और ये बेसन मैंने चक्की से मंगाया, यानी चक्की बनाने के लिए चक्की से आया है बेसन। तो वो चक्की से जो बेसन आया है वो मोटा पिसा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं चक्की का बेसन। यानी उस चक्की वाले को कहते थे भाई चक्की बनानी है तो वो अलग से मोटा पिसा हुआ बेसन देता है। साथ में मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है, और साथ ही साथ मैंने आधा किलो शुगर भी रख ली। यदि कोई थोड़ा सा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो दो एक चम्मच बड़े वाले ऊपर से और डाल सकते हैं। साथ में मैंने लिया है, ये अभी मावा में ग्रेट कर रही हूँ, ये पड़ा बहुत फ्रेश है हमारे यहाँ पे डेयरी पे बहुत ही फ्रेश मावा बनाते हैं। ये देखिए आप कितना फ्रेश है, थोड़ा सा ये मैंने कल मंगा लिया था तो थोड़ी डली हो गई, तो मैं इसको ग्रेट कर दूंगी। तो मैं ये बता रही थी मावे की यदि डली हो गई है फ्रिज में रखने से तो इस तरह ग्रेट करके डालने से आसानी से सिक जाता है। तो ये तो इसका हो गया प्रोसेस, घी वगैरह सब। अभी मैं क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ ये जो मैं चक्की बना रही हूँ इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। इसको बोलते हैं मोगरी वाली चक्की बनाऊंगी, मुठड़ी वाली भी बनती है मोगरी वाली भी, और हलवाई के यहाँ पे भी जाके मैंने दिखाया था वीडियो बनाया था, वो वाली चक्की भी उपलब्ध है, करीब सेम ही है। तो आप चाहे तो मेरे तरीके से चाहे तो हलवाई के तरीके से बना सकते हैं, जैसे भी चाहे अपने घर पे बनाइए और खाइए। तो पहले मोगरी बनाने के लिए मैं बेसन डाल दूंगी, आधा किलो ले लिया मैंने, चक्की बनाने का बेसन अलग से आता है वो, इसको मैंने परात में डाल दिया। आप चाहे तो इसकी मुठड़ी भी बना सकते हैं, तो इसके अंदर घी का मोइन देके और हल्का सा गर्म पानी का छाट देके इस तरह से मुट्ठी में ले लेके उसको बना देते हैं, और फिर इसको घी में फ्राई करके वापस से तोड़ के और छानते हैं, उसको बोलते हैं मुठड़ी, फिर उसको सेकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोगरी। तो मोगरी के अंदर क्या होता है कि पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे घी का मोइन, तो घी का मोइन डाल देंगे हम इसके अंदर, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो करीब चार बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, और जैसे कि अभी मान लो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है तो वो तो सेकने में आ जाता है फ्रेंड्स, तो बाद में कम डालना पड़ेगा। तो जैसे अब इसको हमने मोइन देते हैं आटे में, उस तरह से मोइन डाल दिया है इसके अंदर बेसन में, और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हमने ये मोइन डाल दिया, और अब इसमें हल्का हल्का गर्म पानी का छांट दे देंगे हम इसमें, और जैसे हल्का हल्का गर्म पानी डालती जाऊंगी और मिक्स कर दूंगी, गुनगुना पानी करके रखी है मैंने, और बस इसको मिक्स करके पानी डालने के बाद तीन बड़े चम्मच पानी डाल दिया। अब इसको सबको मिक्स कर लिया, और अब ये जो बेसन है थोड़ा सा और पानी की छांट दे देंगे हम इसमें, और ये जो बेसन है उसको इस तरह से थाप देंगे। ये देखिए थोड़ा गीला गीला हो गया, थोड़ा मोइन से हो गया था, तो इस तरह से थाप के और इसको ढक दूंगी अभी मैं, अभी बताऊंगी आपको।
ये देखिए, इसमें मैंने 3.5 बड़े चम्मच पानी डाल दिया और 4 चम्मच मैंने इसके अंदर पिघला हुआ घी डाल दिया था। अब इसको हम ढक देते हैं। इस तरह से जमा दिया और अब इसको ढक देंगे। यहाँ पे मैंने इलायची और जायफल का छोटा टुकड़ा ले लिया और इलायची ले ली तो उसको मैंने पीस दिया है। तो जायफल की खुशबू यानी नटमेग की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें, तो आप भी बनाए तो थोड़ा सा टुकड़ा जरूर डालें। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को सूखा ही पीस दिया। कई लोग उसको भिगो के भी, बादाम को भिगो के छिलका उतार के भी पीस के डालते हैं, तो मैंने काजू बादाम का पाउडर बना लिया पीस के सूखा। और यहाँ पे मैंने केसर डाल दी है थोड़ी सी और हल्का सा फूड कलर डाला है, तो बिल्कुल केसर और फूड कलर को मैंने भिगो दिया है इसके अंदर। तो आप चाहे तो इसको चाशनी में डाल सकते हैं या फिर जो हम बनाएंगे बेसन सेकेंगे उसमें। तो फिलहाल मैंने भिगो दिया। अब यहाँ पे जो मैंने मोगरी करी है अब उसको मैं छानूंगी। तो थोड़ी देर रख दिया हमने 10-15 मिनट इसको, तो अब इसको फिर से यहाँ से बिखोर देंगे यानी कि बिखेर देंगे इस तरह से, जो हमने जमाया था हमारा बेसन मोयन और पानी के छींटे देखे। और अब हम इसको छानेंगे। ये मोगरी का बेसन जो जमाया था उसको इसमें डाल देते हैं चन्नी के अंदर। और भी बड़े छेद की यदि आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं। और अब इसको हम धीरे धीरे हाथ से घुमाते हुए इसके अंदर छान लेंगे। तो ये जो दाने दाने होते हैं उसको मोगरी पाड़ना बोलते हैं। और यदि आपके पास बड़ी छलनी मतलब बड़े छेद की हो थोड़े और, तो वो आप लेंगे तो और भी ज्यादा मस्त बनेंगे ये मोगरी। मेरे पास जो उपलब्ध है मैंने ले ली। चाशनी बनाएंगे कढ़ाई में, तो शक्कर डाल दी मैंने और अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल देते हैं जितनी शक्कर डाली। तो अब कढ़ाई में घी डाल के और जो हमने मोगरी पाड़ी थी बेसन उसको सेकेंगे हम। तो करीब 1/2 किलो घी इसमें लग जाएगा। और पहले मैंने 4 बड़े चम्मच इसमें मोगरी में डाल दिए थे और अब इसमें डाल दिए हैं। और ज़रूरत होगी तो और डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा घी होने से क्या होता है जब चक्की जमाते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तो बिल्कुल बैलेंस करके घी डालेंगे। तो 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया और अब इसको सेक रहे हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मोगरी हमने पाड़ दी थी तो उसे दाने दाने हो जाते हैं बेसन में, तो इसको बोलते हैं मोगरी पाड़ना। और अब इसको हम सेक लेंगे फिर से ये देखिए। और जब थोड़ा सा सिकने वाला होगा तब उसके अंदर मैं मावा भी मिला दूंगी, तो वो भी इसके साथ ही सिक जाएगा। कई बार अलग सेक के मिलाते हैं कई जने, तो जैसे अभी आधा सिका हुआ होगा तब मैं ये मावा जो मैंने ग्रेट करके रखा है इसमें मिक्स कर दूंगी, तो साथ ही भुन जाएगा इसके भी मावा। तो यहाँ पे हमारी चाशनी उबल रही है। थोड़ा सा दूध डाल के मैंने चाशनी को साफ कर दिया था, तो कोई उससे क्या होता है कि झाग आके और कोई कचरा होता है निकल जाता है। और यहाँ पे हमारा बेसन सिक रहा है। हमारा बेसन हल्का हल्का भुन गया है। इस स्टेज पे हम ये मावा डाल देंगे ताकि मावा भी इसके साथ ही भुन जाएगा और अच्छा भुन जाएगा, तो खराब नहीं होगी हमारी चक्की बहुत दिनों तक। तो मावा भी सेक लेंगे इसको साथ में दोनों को। तो 1/2 किलो बेसन में मैंने 1/2 किलो मावा डाला है, तो इससे हमारी चक्की का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ग्रेट करने से मावा बहुत अच्छा, नहीं तो डलिया डलिया होती है, ग्रेट करने से अभी फटाफट से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो हमारा बेसन सिकने ही वाला है, तो अब ये जो मैंने काजू बादाम पीस के रखे थे, कई लोग बादाम को भिगो के छिलका उतार के भी पीस के डालते हैं, तो मैंने तो सूखे ही इसको पाउडर बना के इसमें डाल दिया है, तो इसका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये बेसन हमारा अब सिकने ही वाला है। कई लोग थोड़ा डार्क सेकते हैं, यहाँ पे चक्की सबके अलग अलग स्टाइल होती है। कई लोग थोड़ी डार्क सेक के बनाते हैं, कई लोग थोड़ी लाइट, तो वो सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम का पाउडर डाल दिया था और अब ये सिक गया, हमारा मावा भी भुन गया। तो अब ये इलायची और नटमेग का जो पाउडर हमने पीस के रखा था, जायफल यानी कि, तो हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमारे 1.5 तार की चाशनी तैयार हो गई है। इसको आप एक कटोरी में गिरा के देख लें, जैसे कि गिराए एक बूंद और वो इधर उधर नहीं डुलके और वहीं पे जमी रहे, तो इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। तो अब ये जो केसर और उसका पानी है मैं इसमें डाल दूंगी ताकि चाशनी में अच्छा सा कलर आ जाएगा। हमारी चाशनी रेडी हो गई है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी चक्की वाला जो हमने बना के रखा है बेसन का। तो थोड़ा सा पिस्ता कतरन इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देंगे। और अब मैं डाल दूंगी इसको हमारी जो ट्रे है चक्की बनाने की उसके ऊपर। हमारी ये चक्की ठंडी हो रही है, तो पहले हम इसमें बर्क लगा लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स बम्पर संग्राम जो भी बोल सकते हैं आप इसको, बम्पर वीडियो अब खत्म हो गया है क्योंकि सारे पकवान बन चुके हैं होली के। और ये मैं 2 दिन से बना रही थी, तो 1 दिन में तो संभव नहीं होता है, 2 दिन से थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। और ये देखिए आप, यहाँ पे मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। अभी फिलहाल ये चीजें तो मैंने बनाई, जैसे पकवान है इनको बना के रख देते हैं और गेस्ट आते तो खिलाते हैं, जो चीजें खराब नहीं होती है। तो पहले मैंने बताना चाहती हूँ, ये शक्कर वाली मैदे की मटरी, उसके अंदर मैंने थोड़ा काजू बादाम भी डाल के और मटरी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल बिस्किट की तरह। यहाँ पर है नारियल की बर्फी जो कि मैंने मावा डाल के बनाई, और वो सब मैंने वीडियो में बताया जो जो मैंने बनाया। और ये है हमारी मटरी अलग तरह की जिसको मैंने रोल करके काट के बनाया था। और ये है हमारी गुड़ की पापड़ी या सांकली, जो भी आप कह सकते हैं, सांकली बोल सकते हैं, गुड़ की सांकली। और ये है हमारे पकोड़े जरे वाले, और यहाँ पे शक्करपारे हैं, गुड़ वाले शक्करपारे के सेब के काटे हुए। यहाँ पे खाजे हैं या मटरी बोल सकते हैं इसको, अजवाइन वाली, मैदे के अंदर अजवाइन वगैरह डाल के बनाते हैं। और ये है गुजिया, तो होली पे गुजिया तो विशेष होती है, तो थोड़ी सी मैंने गुजिया भी बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनी है सारी चीजें। और ये है बेसन की सेव, जो कि इसका वीडियो भी मैंने बनाया अलग से। और ये बेसन की पापड़ी है, और साथ ही साथ ये मटरी है, तो ये भी मैंने आपको वीडियो बनाया तब दिखाया था, अलग अलग शेप की बनाई इस तरह से काट के, काजू बोल सकते हैं, चंद्रमा बोल सकते हैं, और लंबी लंबी काट के और इस शेप की बनाई है। और साथ ही साथ बीच में पड़ी है फ्रेंड्स बेसन की चक्की, जो कि अभी ठंडी नहीं हुई है, बर्फ वगैरह लगा दी, थोड़ी ठंडी होगी तो मैं कट करूंगी इसको। तो ये भी मैंने बनाई है बेसन की चक्की घर पे, और इसका भी बनाते हुए वीडियो मैंने शेयर किया है। तो सभी चीजें पूरी हो गई है, ये जो पकवान है जो बना के रखना है तो वो तो पूरे हो गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी क्या है कि कल है होली, और होली के दिन का जो खाना बनता है तो वो सब्जियां बनाएंगे या चावल बनाते हैं, रायता बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो सब भी मैं दिखाती हूँ। और वो हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो के लिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, हर साल हम इसी तरह से पकवान घर पे बनाते हैं, क्योंकि घर के लोग सभी घर के पकवान खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो आजकल सारी चीजें बाहर मिलती है, लेकिन यदि आप घर की गुजिया या पपड़ी इसको चखेंगे ना, तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। बाजार में थोड़ी कड़क होती है ये गुजिया, और इसके अंदर जो मसाला डालते हैं मावे में, मैं पीस के भी डालती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये तो कोई खा के ही बता सकता है, या मेरी विधि से यदि आप लोग घर पे बनाएंगे सब चीजें तो उसका टेस्ट ले पाएंगे। तो आप भी इसी तरह से अपने घर पे सभी पकवान बना के खा सकते हैं, और कल भी मैं दिखाऊंगी होली पे मैं क्या क्या बनाऊंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी और हैप्पी होली।